हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं स्केरी कृष्णा गेमिंग और इस वीडियो में हम खेलेंगे टिक ब्रॉलर के साथ जैम ग्रैब में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उसके साथ में बेल आइकन जो है उसको भी जरूर दबाएं। पहला मैच हमारा होता है स्टार्ट, हमारे साथ आए हैं ब्रोक और बो। सिंपली हमारी एक ही स्ट्रेटजी होगी कि हमको दूर रहकर एनिमीज को डैमेज करना है और एनिमीज के पास नहीं जाना, क्योंकि इस ब्रॉलर की हेल्थ बहुत ज़्यादा कम है। ऑपोजिशन में है बीबी, पाइपर और कोल्ट। बीबी तो मेरे पीछे पड़ रहा है और दूर जा भाई, दूर दूर जा, क्या कर रहा है भाई, दूर जा। और ये बीबी ने मुझे मार दिया। इस ब्रॉलर की हेल्थ बहुत कम है, इसलिए क्लोज रेंज में अगर कोई ब्रॉलर आता है तो ये ब्रॉलर वीक पड़ जाता है। और जैसे लॉन्ग रेंज में ये तो बेस्ट है क्योंकि दूर से ही बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। देखो अब मेरे पास आ गए हैं चार जेम्स और बीबी ये ग्रास में छुपा है। पाइपर दूर से रहकर अच्छा खासा डैमेज कर रही है, लेकिन पाइपर को बो की माइन ने मार दिया। हम कोल्ड को डैमेज देने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जेम्स इकट्ठे कर लें क्योंकि जेम्स की तो ये सभी गेम है। और हमारी सुपर चार्ज होती है, सुपर हम यूज़ करते हैं। इसकी सुपर में जो ब्रॉलर टिक है ना, उसका हेड जो होता है वो एज अ बॉम्ब एक्ट करता है और एनिमीज को डैमेज करता है। और काउंटडाउन हो गया है हमारे शुरू, और मेरे ख्याल से हम आसानी से ये मैच जीत जाएंगे क्योंकि एक के बाद एक सभी ब्रॉलर मर रहे हैं। और इसको भी मार दिया है बीबी। 3-2-1, पहला मैच हम जीत गए हैं। इस मैच में स्टार प्लेयर बने हैं ब्रोक। चलो चलते हैं नेक्स्ट मैच की तरफ। सेकंड मैच में हम आ चुके हैं टिक ब्रॉलर के साथ और हमारी टीम में आए हैं बाली और ब्रोक। इस मैच में भी हम वही टेक्निक यूज़ करेंगे कि पीछे रह गए हमने थोड़ा बहुत डैमेज देते रहेंगे। और इसी के साथ जैसी को भी हमने डिफीट कर दिया है और हम जेम्स इकट्ठे करेंगे क्योंकि जेम्स को इकट्ठे करने की ही गेम है। मोटिस भाई को हमने डैमेज दिया हल्का फुल्का, और ये जैसी और डायनामाइट इकट्ठे आ रहे हैं। मैंने सुपर यूज़ की है, जैसी तो नहीं मरी लेकिन डायनामाइट मर गए हमारी सुपर यूज़ करने से। वो बाल के पीछे पड़े मोटिस, लेकिन बाली की सुपर ने बचा लिया है उनको क्योंकि उसके बाद तीन जेम्स हैं, अगर वो मर गया तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और डायनामाइक ने सुपर यूज़ की और लेकिन मैं डिफीट हुआ हूँ। और ये डायनामाइक बाद में क्या कर रहे हैं, उड़ रहे हैं। वाह भाई, ये जश्न मनाने का अच्छा मौका है, उड़ो डिफीट करने के बाद। डायनामाइक ने फिर से सुपर यूज़ की ली लेकिन कोई काम नहीं आई। मैं भी डिफीट करने की कोशिश करूंगा, मेरी सुपर एक्टिव हो गई, मैंने सुपर यूज़ की है और मैंने डायनामाइट को डिफीट कर दिया, लेकिन जैसी के जो बाउंसिंग अटैक है उसने काम खराब किया। ओहो, बाले को भी जैसी के टॉरेट ने मार दिया और मोर्टिस भाई ने मुझे मार दिया। बाले ने सुपर यूज़ की है जो कि जिसने डिफीट कर दिया है मोर्टिस को और उसको डायनामाइट को। मैं फिर से डिफीट हुआ। ओ सारे जंप्स इकट्ठे हुए हैं और लेकिन आसपास कोई नहीं है, तो सभी जेम्स मैस लेकर साइड पे छिप जाता हूँ। और लेकिन डायनामाइक ने सुपर यूज़ की, उस सुपर की वजह से मैं फिर से मर गया। मुझे लगता है मैं सुपर डायनामाइक की अच्छी नहीं है। मैंने भी अपनी सुपर यूज़ की है। कहाँ जा रहा भाई, कहाँ जा रहा है, उसको मारने। डायनामाइक को हमारे सुपर ने अच्छा खासा डैमेज दिया है और हम जैसी को सबको दूर रखेंगे। और इसी के साथ सेकंड मैच होता है ओवर। इस मैच में भी हमारी विक्ट्री हुई है और बाले को स्टार प्लेयर होना चाहिए था, वो मैं मानता हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा खेला है। अब थर्ड मैच की बारी है। थर्ड मैच में हमारे साथ आए हैं तारा और डायनामाइक। अब हम देखते हैं एनिमीज कहाँ है। एनिमीज यहाँ छुपे हैं, हाँ छुपे हैं। काल तो मर गया, काल मर गया, पोको रह गया। अब हम जेम्स कलेक्ट करेंगे पोको के मरने के कारण। हमने जेम्स इकट्ठे किए हैं लेकिन मेरे पास एक भी जेम नहीं है। रोजा और काल कुछ भी नहीं कर रहे। मैंने सुपर यूज़ की, नहीं सुपर ने अच्छा खासा डैमेज दिया, लेकिन पोको एक हील ठहरा, उसने हील कर लिया अपने आप को अपनी सुपर के कारण। जेम्स। अब हम जेम्स इकट्ठा करेंगे जब हम काल मरेगा, लेकिन काल उधर गया था तो मैंने सोचा मैं भी जेम्स थोड़े इकट्ठे कर दूं। रोजा और पोको एक साथ छिप छिप के आ रहे हैं, लेकिन हम तो पागल बैठे हैं ना, हमको तो पता ही नहीं चला आप आ रहे हो।
वो देखो रोजा मार रही है तारा को, लेकिन कुछ भी नहीं कर रहा भाई, तारा ने रोजा को मार दिया। हमने अभी अब सुपर यूज की और सुपर ने कार को भी मार दिया। ये मरने मराने का किस्सा अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि हमने और डायनामाइट ने पोको को भी मार दिया, अब मैंने फिर से रोजा को भी मार दिया। काल को हमने अच्छा खासा डैमेज दिया और काल को भी मार दिया। पोको मेरे पीछे पड़ रहा है और इसने क्या ये मुझे मार पाएगा या मैं उसे मार पाऊंगा या और किसे मार देगा, लेकिन मैंने इसे मारा। अब हम जम्प्स इकट्ठे करेंगे और काल को पहले डिफीट करेंगे, लेकिन काल ने मुझे मार दिया। ये देखो ये सबसे दुखदायक मोमेंट होता है, क्योंकि जब आपका प्लेयर ही कुछ भी नहीं करता। ये ऑफलाइन हो गए हैं, इनको ट्रॉफी तो नहीं मिलेगी जीत की, लेकिन हम शायद जीत जाए, क्योंकि आसानी से डायनामाइट की सुपर ने दो ब्रॉलर को इकट्ठे मारा है। अब कोई ब्रॉलर बचा है, पोको बचे हैं, उसको भी हम मार नहीं सके, लेकिन उन्होंने मर जाना था अगर एक सेकंड और होता। इस मैच में स्टार प्लेयर बने हैं हम। चलते हैं नेक्स्ट मैच की तरफ। फोर्थ मैच होता है शुरू और इस मैच में हमारे साथ आए हैं स्पाइक और मिस्टर पी। मिस्टर पी से याद आया, अगर आपने मिस्टर पी का गेम प्ले नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देखें, आपको मिस्टर पी का गेम प्ले की वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलो मैच पे ध्यान देते हैं। अरे बचाओ भाई पैनी से, और मिस्टर पी ने पैनी को मार दिया। और अब हम क्या करें, डैमेज किसको दें? कोल्ड को डैमेज दिया अच्छा खासा, इसलिए वो साइड पे रह गया और हमारी सुपर हो गई एक्टिव और सुपर ने काम आ गई और सुपर ने डिफीट कर दिया पैनी को। डायनामाइक ने सुपर यूज की, उसके कारण मिस्टर पी मरे और मैंने डायनामाइक को मार लिया। इसको कहते हैं टिट फॉर टैट बदला। और जेम्स उधर ऊपर बढ़ा हुआ है, लेकिन हम कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि डायना ऊपर ही बैठा है। और पैनी ने डिफीट कर दिया स्पाइक को और जेम्स बिखर गए हैं, लेकिन मिस्टर पी ने बड़ी आसानी के साथ जेम्स को इकट्ठा किया और पीछे भागी। और मैं भी थोड़े बचे हुए जेम्स इकट्ठे करूंगा और कोशिश करूंगा पीछे भागने की। सुपर हो गया मेरी एक्टिव। ओ क्या देख सकते हैं, मेरी थोड़ी सी हेल्थ बची थी, मुझे लगा मैं गया, लेकिन मैं गया नहीं, मेरी सुपर ने मुझे बचाया। सुपर की जय। चलो डायनामाइक दो जेम्स के साथ ऊपर हमारी तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसी के साथ टाइम ओवर होता है और ये भी मैच हम जीतते हैं। इस मैच में भी स्टार प्लेयर बनते हैं कृष्णा। ये मैच काफी अच्छा था। बस इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको क्या करना है वो मैं बता रहता हूँ, तो लाइक का बटन दबाना है। दूसरा काम ये करना है कि आपको ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना है। तीसरा काम आप ये करना ना भूले, ये बहुत जरूरी काम है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ वाला जो है ना बेल आइकन, बेल घंटी सी बनी हुई है, उसे भी जरूर दबाएं। उससे ये होता है कि आपको नोटिफिकेशन हमारी न्यू वीडियो की आएंगी। ठीक है, बस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।